हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन लेट मीट चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। जिस जगह मैं हूँ वो GK2 कहलाता है और जिस रेस्टोरेंट को आज हम कवर करने वाले हैं उनकी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं। इनफैक्ट बहुत सारे रेस्टोरेंट दिल्ली NCR में आप लोगों ने आई एम श्योर बहुत बार नाम भी सुना होगा और टेस्ट भी किया होगा। अगर नहीं किया तो आज ये मौका आपको मिलेगा कि मैं उसके जायके को टेस्ट करके बताऊंगा और आप लोगों को बताता भी रहूंगा कि यहाँ कैसे जाएगा। मेरे एग्जैक्टली पीछे अगर आप देख रहे होंगे ये है डॉन बॉस्को स्कूल, एग्जैक्टली बिल्कुल अपोजिट में है। उसके सामने जो मार्केट कहलाती है ये एक मार्केट है, यहाँ पर है अल कुरैशी के नाम से रेस्टोरेंट है। अल कुरैशी का आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, इनफैक्ट अल कुरैशी डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे भी है एंड आसफ अली रोड पर भी है और जितनी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे हम उनके ऑनर से, बट मैं आपको ले चलता हूँ और मिलाते हैं। आइए, अल कुरैशी की इस ब्रांच की सबसे अच्छी और ख़ासियत बात मैं आपको बता देता हूँ कि बाहर का जो सिटिंग एरिया है वो और वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छे खासे लोग गाड़ी में बैठ के भी खा सकते हैं, सिटिंग एरिया भी है, बहुत प्लेजेंट वेदर है तो लोग यहाँ पर खाने के मज़े लेते हैं। और इनके ऊपर भी सिटिंग एरिया जो रेस्टोरेंट है वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये सेक्शन है, राइट हैंड साइड पे भी सेक्शन है। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट हम अपना ये लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कैपेसिटी है और क्योंकि हम थोड़ा रेस्टोरेंट टाइमिंग से शुरू होने से पहले आ गए हैं जानबूझकर। ये है दूसरा सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा इंटीरियर भी किया हुआ है, सजाया अच्छा है, मतलब बैठ के आपको बहुत प्लेजेंट मज़ा आएगा। खाने का टेस्ट भी सुना है, बहुत तारीफ सुनी है यहाँ की, तो उसी तरह यहाँ पर इन्होंने इस तरीके को सजाया भी बहुत अच्छा है खूबसूरत अंदाज में। और यहाँ बैठ के जब आप खाना खाएंगे तो आपकी आँखों को भी ठंडक और जब खाना खाएंगे तो दिल की भी ठंडक। और ये देखें आप यहाँ पर कितनी अच्छे से सफाई भी की हुई है, बहुत हाइजीन का इन्होंने एहतमाम किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमेशा किचन कैसे मेंटेन किया हुआ है, उसमें कैसे हाइजीन का और सफाई का कैसे तरीके से अहतमाम किया हुआ है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि यार जहाँ आप खाना खा रहे हो तो वहाँ का किचन अगर साफ़ नहीं है तो मज़ा नहीं आता। तो हमने यहाँ पर इनका सेकंड फ्लोर पर प्रॉपर किचन सेगमेंट है, बहुत बड़ा किचन है। किचन बहुत बड़ा है, स्पेशियस है, तो इसमें गंदगी मुझे अभी तक तो कुछ ऐसी दिखी नहीं है। अब आपको मैं कुछ यहाँ के मेकिंग शॉट्स दिखाता हूँ, प्रिपरेशन हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में क्योंकि मुझे अक्सर रेस्टोरेंट में इतना बड़ा स्पेस नहीं देखने को मिलता। सो फाइनली हमें मौका मिला जो अल कुरैशी के जो ऑनर हैं उनसे बात करने का, अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से उन्होंने थोड़ी सी फुर्सत निकाली हमसे बात करी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि समी भाई ये बताएं यहाँ के बारे में कि आपने कितने साल पहले ये शुरू किया था रेस्टोरेंट? ये मैंने 20 साल पहले शुरू किया था। 20 साल पहले तो उस ज़माने में तो यहाँ आसपास कुछ भी यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वाइस शख्स में ही था। अच्छा। जो यहाँ पे आके मैंने काम को अंजाम दिया। अब आपकी कितनी ब्रांचेस कितनी है? मेरी एक ये है मेरी अपनी पर्सनल और एक मैंने नोएडा में खोल रखी है सेक्टर 104। अच्छा, सेक्टर 104 104 में है। ओके। एक वो है, एक ये है। बहरहाल मैं इसी को फोकस ज्यादा करता हूँ, ये GK2 GK2 वाली को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 10 ब्रांचे खोल दो नाम बदनाम हो। ओके। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक को इतना ऊपर लेकर जाओ कि बंदा पूछे कि हाँ कोई चीज। यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा सिग्नेचर डिश कौन सी है ये बताइए, जो सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग आइटम? मेरे पास सबसे ज्यादा मटन सीख कबाब बिकता है। अच्छा। जो अभी पिछली इसमें याया भाई को मैंने टेस्ट कराया था। ओके। मटन सीख कबाब है, मटन बर्रा है और मलाई टिक्का, हालांकि डिशे तो बहुत सारी हैं जी हाँ, लेकिन ये कि कोई चीज होती है जिसकी जिसकी वजह से बंदा फेमस हो जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और एक हमारे ग्रेवी में तवा चिकन है। ओके। वो हम आपको ट्राई कराएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, अब इतनी सारी इन्होंने डिशेज बता दी, मुंह में पानी आ गया, तो बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर ये दस्तरखान भी सजाने वाले हैं और फिर हम आपको उसका जायके का मैं ट्रेस करके बताऊंगा कि किस तरीके से जायका, क्यों लोग 20 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पर आ रहा है अल कुरैशी के पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने अपने टेस्ट को बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल चेंज नहीं है, तभी लोग वापस आते हैं। कस्टमर रिटेंशन तभी होती है जब आप अपने टेस्ट को मेंटेन करते रखेंगे। तो आए देखते हैं। अच्छा समी भाई की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस रेस्टोरेंट के साथ जुड़ी हुई है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इनकी एक पीछे शॉप है जहाँ पे ये रॉ मीट करते हैं, तो आपने शुरुआत यहीं से की थी? यहीं से की थी, इसी शॉप से करी थी। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल? ये मटन है, चिकन है, रॉ आइटम है, ये हम टिक्का वगैरह भी बेचते जो रात में हमारे पास बच जाता है, हाफ कुक वगैरह।
ओके, तो वो हम पैकेट में चिकन सीख कबाब, मटन सीख कबाब, अच्छा, फ्रोजन भी करके आप बेचते हैं, भी बेचते हैं अपना। अब आप देख सकते हैं ये हर तरीके के लाइसेंस अप्रूव्ड गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर ये इन्होंने अवेलेबल है। और ये थोड़ी सी एक झलक दिखा दूँ मैं, बिल्कुल फ्रेश मीट की, मटन की आप देख लो यहाँ पर। आप जब तक ये दुकान खुली है, रेस्टोरेंट खुला है, अगर आपको रॉ मीट भी चाहिए होगा तो ये अवेलेबल है, यहाँ पे मिल जाता है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कभी ऐसा लगता है कि खाना हमने बनाना है और हमें मीट नहीं मिल रहा, तो ये सॉल्यूशन भी आपके लिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया। फाइनली समी भाई ने अल कुरैशी का पूरा दस्तरखान सजा दिया। देख रहे हैं माशाल्लाह किस तरीके से रौनक आ गई है टेबल के ऊपर, हर चीज़ अपने आप में कितना मुंह से कुछ बोल रही है, कुछ कहना चाहती है, मतलब इस तरीके की अदायगी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मतलब बहुत खूबसूरत सी टेबल लग रही है। तो समी भाई से एक बात पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जितनी आइटम है वो उसकी वेराइटी, क्वान्टिटी और प्राइसिंग के बारे पूछे थे। वैसे तो मेन्यू बहुत बड़ा है, बट जो अवेलेबल अभी यहाँ पर जो टेबल पे, हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो समी भाई यहाँ से शुरू करते हैं, बताएं कौन सी आइटम है ये हमारी फिश टिक्का है भाई। अच्छा, सुरमई अजवानी, हाँ सुरमई, ओके। ये हमारा मटन, क्वान्टिटी इसके अंदर 5 पीसेज होते हैं और प्राइसिंग 450 की, 450 का, ओके। ये हमारा सेकेंड मटन सीख कबाब है, ओके, 350 का, 350 का। अच्छा, ये एक प्लेट बोल, एक प्लेट इसमें 4 पीस होते हैं, ओके। ये चिकन टिक्का है, ओके, इसके अंदर 8 पीस होते हैं। ये 365 का है, ये 365 का। ये मलाई टिक्का है, ये भी इसमें भी 8 पीस होते हैं। ये 410 रुपये का, 410 का। अच्छा, 410 रुपीज़। ये मटन बर्रा हमारा स्पेशल, हाँ, इसके 4 पीसेज है, चाँप के पीस होते हैं, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, ओके। ये हमारा चिकन सीख कबाब है, 320। अब मैं थोड़ा सा मेन कोर्स की तरफ बढ़ता हूँ, वो आइटम क्या है आपकी? वो हमारी तवा चिकन है, जो यहाँ की स्पेशल डिश है। तवा चिकन, ये फुल क्वांटिटी है? ये हाफ है, हाफ है। ये क्या प्राइस है? ये 550 का है, 550। ये क्या है? ये मटन बिरयानी है, ये क्वांटिटी हाफ है, ये एक प्लेट है, एक प्लेट, हाँ, 250 रुपए की, 250। और ये हमारा क्वार्टर बटर चिकन है, 220 रुपए का, 220। अब आते हैं थोड़ा सा ब्रेड की तरफ, ये आपने, ये हमारा पुदीना पराठा है, पुदीना पराठा जी, हाँ, 70 रुपीज। और ये, ये हमारी खमीरी रोटी है, हाँ, जिसका प्राइस 30 रुपीज है, 30 रुपीज। वो हमारा बटर नान है, बटर नान, 70 रुपीज। तो सबसे पहले हम चिकन सीख कबाब लेंगे। मैं चाहूँगा सर आप थोड़ा सा, जी 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 भाई, समी भाई हमारे साथ हैं, तो मैं पहले चिकन सीख कबाब मैं ट्राई कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है, चारों तरफ से लेयर है पुदीने की, अलॉन्ग विद दिस चटनी। वाह वाह, बहुत ही अच्छे मसालों का इस्तेमाल किया गया है, मिर्चें बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं, कोई मतलब चिकन का, और सॉफ्ट बहुत है मटन बर्रा। वाओ, देखने में आपको इतना टेम्पटिंग लग रहा है, आप देखें। मैं पहले, आप लीजिए, ठीक है, आप यहाँ के मेज़बान हैं, फिर भी आज मैं कर रहा हूँ। और ये है चाप का पीस जिसे बोलते हैं, मटन चाप। सबसे बढ़िया बात क्या है, पीसेस बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से इन्होंने पीसेस भी की क्वांटिटी और क्वालिटी देखें, पिंक, अगर आप देख रहे हैं पिंक, वाह।
मटन बर्रा बहुत ही बढ़िया। आप देख रहे हैं इसमें गोश्त की क्वालिटी देख रहे हैं यार, इसके अंदर जो पिंक आ रहा है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इससे पता लगता है कि इन्होंने बहुत कम वेट का जो मटन यूज़ किया जाता है, ये बात है ना जी जी आलम, तभी इसमें पिंकनेस आती है। ये मलाई टिक्का मैंने एक पीस ले लिया है, और क्योंकि ये चिकन की आइटम है तो चिकन की आइटम का हमें देखना पड़ता है कि सिका हुआ बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो कच्चा पन रह जाता है। अच्छा मलाई टिक्के में अक्सर मैंने बहुत ज़्यादा मलाई में डिपो हुआ देखा, इन्होंने से टॉपिंग की हुआ मलाई से, इसलिए मलाई का इसमें जो है ना हल्का हल्का सूदिंग टेस्ट आ रहा है। लोग क्या करते हैं कि इसको एकदम डिप कर देते, डिप कर देते बिल्कुल एक लिटिल ज़्यादा हो जाता है। तो हमें इसलिए ना मलाई टिक्के में मलाई का भी मज़ा आ रहा है, चिकन का भी मज़ा आ रहा है। तो ये है चिकन टिक्का, चिकन टिक्का जो बहुत ही कॉमन डिश होती है हर जगह। जी 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 जी, चिकन टिक्का ये मैंने भी एक पीस ले लिया है। चिकन टिक्का एक्चुअली में इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं क्योंकि लोगों, मगर यस द मसालों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कैसा जब चिकन टिक्के में ना जलापन नहीं आना चाहिए कि अगर आप खा रहे हो तो। अच्छा ऐसा क्यों है कि आपके यहाँ मसाले आपने बहुत लाइट रखे हुए हैं? ये शुरू से मैं कम लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे फैमिली आती है। हाँ अच्छी फैमिली है तो वो लाइट मसाले लेते हैं, लाइट मसाले। और अगर किसी को थोड़ा सा स्पाइसी खाना हो तो हम चाट मसाला साथ में दे देते हैं। अच्छा तो इसको यूज़ कर सकता है और स्पाइसी बनवा भी देते हैं। हूँ जी ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब। और ये है आपका मटन सीख कबाब, मटन सीख कबाब लीजिए सर। ये मटन सीख कबाब जो इनकी सिग्नेचर आइटम है, राइट जी, जो आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग आइटम आपने बताई हमें। वाह, जब हम इसको बनते हुए देख रहे थे ना, इतनी अच्छे तरीके से वो बना रहा था ना, वो देख रहे थे, वो मुंह में पानी तभी से आ रहा था मुझे। और मैं इस हाँ जब जब इस चटनी को यूज़ करता हूँ तो मुझे बाकी आइटम का टेस्ट जो है ना वो दब जाता है, इसलिए मैं अब चटनी यूज़ नहीं करूँगा और मैं खाली खा के देखूँगा। पुदीना का बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ रहा है मेरे को। अच्छा इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है मटन सीख कबाब की, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जितने प्राइसिंग में है उतना वर्थ है। और थिकनेस होने के बावजूद है ना इसके अंदर सॉफ्टनेस भी बहुत अच्छी है, लाइट स्पाइस है। क्षमा मान दिया सही भाई, आज मुझे पार्टी में जाना है लेकिन मैं आपके साथ खाना खा रहा। अच्छा ऐसा है जी, तो मैं अब आपको टेस्ट नहीं कराऊंगा। ये फिश टिक्का सुरमई फिश का इस्तेमाल जी हाँ, बहुत अच्छे और खूबसूरत पीसेस बने हुए हैं फिश टिक्के के। और अच्छा फिश की क्वालिटी तो देखने से पता लग रही है, बहुत अच्छे बड़े पीसेस इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और फिश का सिर्फ फ्लेवर आ रहा है, स्मेल नहीं है, क्योंकि स्मेल से खाने में क्या होता है कि वो मज़ा नहीं आता। तो इन्होंने इसको इतना अच्छे से इसको सेका हुआ है कि इसमें से फिश की सिर्फ ना हल्की हल्की स्मेल आ रही है, जो तंदूर की स्मेल आ रही है, बाकी फिश की वैसी स्मेल जो होती है वो नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा आपने सब जगह बिरयानी खाई थी, वो हमेशा है ना कम तैयार हुई हुई बिरयानी मिलती है, बट यहाँ मैंने खूबसूरत बिरयानी देखी कि ये खुद तभी इंस्टेंट तैयार करते हैं। बिरयानी खाने का मज़ा जो है वो हाथ से है, मटन बिरयानी हो और आप से हाथ से खाएंगे तो उसका और ज़्यादा लजीज आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी इसे मसाले वाली बिरयानी मैं ज़रूर बोलूँगा, वो दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में आपने अमूमन देखा होगा, उसमें रूखे चावल होते हैं, बट इसमें रूखे वाला चावल नहीं है ये, अच्छा फुल ऑफ मसाले जिसमें बिल्कुल मिक्स किए हुए हैं और बिरयानी का टेस्ट आ रहा है। कलर से पता लग रहा है ये बिरयानी है, मगर अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो मुझे किसी मेन कोर्स के कोरमे का भी टेस्ट इसमें साथ आ रहा है। यहाँ की सबसे फेमस डिश तवा चिकन, जैसा कि हमें समी भाई ने बताया, तो तवा चिकन का एक पीस तो बनता है यार लेना, अच्छी ग्रेवी, थिक ग्रेवी और टॉपिंग है टोमेटो की। और इसको किससे खाया जाए सर ये बताइए, बटर नान से, क्योंकि वो आपको ही पता होगा सर कॉम्बिनेशन किसके साथ है, बटर नान के साथ खाएंगे। नान की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है। और ये है इनका तवा चिकन। एक्चुअली आप अगर कोरमा बिरयानी
या बहुत ये जो कॉमन डिशेज हैं खाने से अगर थक गए होंगे तो ये बहुत अलग ही स्पार्क है इस डिश के अंदर, एक अलग स्पार्क है, टेस्ट अलग है, थोड़ा कढ़ाई जैसे बोलते हैं ना कढ़ाई चिकन जैसा उस तरीके का स्पार्क आ रहा है, मसाले बहुत अलग हैं और टेस्ट में, और चिकन बहुत अच्छे पीसेज इन्होंने रखे हैं, क्वांटिटी बहुत अच्छी दी हुई है, इनफैक्ट सॉफ्टनेस बहुत है चिकन के अंदर। अमेजिंग टेस्ट है ये, वाकई में सिग्नेचर डिश होना बनती है और ये हॉट सेलिंग आइटम है, ये भी सही है। ये बटर चिकन है और बटर चिकन जो होता है ना, वैसे तो मोस्टली मैंने हमेशा जहाँ खाया वहाँ पे मीठे का टेस्ट ज़रूर होता है, हल्का सा उसके अंदर वो स्वीट टेस्ट आता है, बट अब यहाँ पे बटर चिकन का कॉम्बिनेशन नान के साथ ही है, हम नान से ट्राई करेंगे। अब चिकन की बात है तो ये बोनलेस है जी, ये बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया हुआ है। ओ माई गॉड, वेरी गुड क्वान्टिटी। सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, मतलब खाने लायक है, लोगों को ऐसा लगता है बटर चिकन मीन्स उसमें क्योंकि टोमेटो की ग्रेवी यूज़ होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मीठापन आ जाता है, बट उन्होंने इसको बैलेंस किया हुआ है। और मुझे अच्छे से याद है समीर भाई कि मैं यहाँ पे कई साल पहले जब आके खा कर गया था ना जी जी, उस टाइम में और आज के टेस्ट में आपने टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जी भाई, सेम टेस्ट है, वही मेंटेन किया हुआ है। सो गाइस नाउ लेट मी ईट दिस खाना, एंजॉय दिस खाना, आप जरूर आना और खा के बताना कैसा लगा आपको अल कुरैशी का खाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।